डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास सेवन्थ चैप्टर वन पौधों में पोषण या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज आप इस चैप्टर थोड़ा डिस्कस करते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट यदा जिमें कि तुसी सिक्स क्लास के भी पढ़िया सीगा, भोजन के कई तरह के पोषक तत्व होंगे जिमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो साढ़े पोषण के लिए जरूरी हैं। हुण प्यारे विद्यार्थियों, न्यूट्रिशन प्लांट्स दे विच आपां पढ़ांगे, नैक्सट चैप्टर अपना एनिमल्स दे विच न्यूट्रिशन दा। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है किसी प्लांट दे लिए? प्यारे विद्यार्थियों, प्लांट्स दे वाधे लिए, ग्रोथ लिए, उन्हां दी बॉडी दी बिल्डिंग लिए, मीनस प्लांट दी बिल्डिंग दे लिए, कद वधन दे लिए, जो उन्होंने टुट भज होंगी वो रिपेयर के लिए, इसलिए सानू पोषण की जरूरत होंगी है। हम प्यारे विद्यार्थियों, पूरी दुनिया के सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे ने जिहड़े अपना भोजन खुद बनाते हैं, बाकी एनिमल्स ते ह्यूमनस असी अपना भोजन अपने खाने लिए तैयार करते हाँ, बनाते नहीं। तो साड़ी धरती दे विच मेन सोर्स ऑफ फूड प्लांट्स ने। हुण मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे बारे चर्चा करते हैं, केड़े केड़े तरीके हैं प्लांट्स दे विच पोषण दे या न्यूट्रिशन दे। तो मेनली दो तरीके हैं, वन इज ऑटोट्रॉफिक वे या स्वैपोषी विधि, तो दूसरा है हेटरोट्रॉफिक विधि या परपोषी विधि। हुण गल करते हैं ऑटोट्रॉफिक विधि की। ऑटोट्रॉफिक टू वर्ड्स ने उन्हां तों मिलके बने, ऑटो मीनस सैल्फ अपने आप, ते ट्रॉफिक मीनस नरिशमेंट, अपने आप अपना भोजन तैयार करते हैं, उन्होंने कहने हाँ ऑटोट्रॉफिक। सैकेंड है हेटरोट्रॉफिक, हेटरो मीनस अदरस प्लस ट्रॉफिक मीनस नरिशमेंट, मीनस जिहड़े दूजिया तो अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। ये गल कर रहे हैं आप अज्ज दे चैप्टर च प्लांट्स के बारे। हुण ऑटोट्रॉफिक वे की है पौद्या दे विच अपने भोजन तैयार करन दा, उन्हूं कहने हाँ असी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीनस लाइट, सिंथेसिस उसका सिंथेसिस करना। हुण फोटोसिंथेसिस दे विच बेसिकली सानू चार चीज़ां की जरूरत होंदी है, जिवें कि तुसी डायग्राम दे विच देख रहे हो, प्लांट का डायग्राम है, रूट्स है, रूट्स तो पहली चीज़ उन्हूं मिलेगी दैट इज पानी। आ सन है, सन तो सनलाइट या सूरज का प्रकाश दूसरी चीज। तीसरी चीज जिहड़ी प्लांट नूं चाहीदी है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिहड़ी कि असी साह दे विच असी भी एनिमल्स भी साह लैण तो दौरान कार्बन डाइऑक्साइड असी वातावरण च छड्डदे हां, जिस नूं प्लांट लै लैंदे हन। ते चौथी चीज है क्लोरोफिल, जो कित्थे मौजूद है वह पत्तियां दे विच मौजूद है, जिस कारण पत्तियां दा रंग ग्रीन हुंदा है। तो हुण फोटोसिंथेसिस दे विच किहड़ियां चार चीज़ां जरूरी हैं? पहला है पानी, दूसरा है सूरज का प्रकाश, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो चौथा है क्लोरोफिल। हुण इसमें एक आपां रिएक्शन के तौर पर समझ सकते हैं, बस डिटेल से समझाऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, पहली चीज मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, सूरजी प्रकाश एंड क्लोरोफिल। जो चारों चीजा कंप्लीट हो जाएगियां तो सानू प्लांट्स जिहड़े है वह कार्बोहाइड्रेट के रूप के भोजन का निर्माण करते हैं, प्लस सानू एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस देंदे हन, वह है ऑक्सीजन, जिहड़ी सानू साह लैण लई जरूरी है। हुण सूरजी प्रकाश नू पत्तियां दे विच जिहड़ा क्लोरोफिल है वह एज ए एनर्जी लैंदा है, उस एनर्जी तो पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप के बनाते हैं, जिसका एक फॉर्म है स्टार्च। छेवीं क्लास के स्टार्च का टेस्ट किया है, सेम थिंग निशास्ता भी कहने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट रूप के पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप आपां ऑक्सीजन गैस देंगे हैं जो साढ़े जिंदे रहने जरूरी है। तो यह है फोटोसिंथेसिस। इसका भाव की है, जो प्लांट्स पानी, फर्स्ट थिंग पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन दोनों, तीसरी चीज सूरजी प्रकाश और क्लोरोफिल, चार चीज़ों की मौजूदगी दे विच पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किहड़े फॉर्म च कार्बोहाइड्रेट रूप च, प्लस वो सानू की देंदे हन ऑक्सीजन गैस। हुण
गल करते हाँ, वो केड़ा भाग है पत्तियां दा जिस दे थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेंदे हन ते ऑक्सीजन सानू देंदे हन, उसनू कहने हाँ स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लांट्स दे उपर टाइनी पोर्स होंदे हन, छोटे छोटे छेद। आ एक स्टोमेटा, खुले हुए स्टोमेटा दी स्ट्रक्चर है। बेसिकली दो गार्ड सेल जिन्हां दे विच न्यूक्लियस हन, सेंटर दे विच आ जिहड़ा छेद नजर आ रहा है इसनू कहने हाँ स्टोमेटा छेद। इस दे थ्रू ही सानू ऑक्सीजन मिलती है ते कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। तो यह सी सारा फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक तरीका पौद्यां दे न्यूट्रिशन दा। हुण गल करदे हां दूसरा तरीका हेटरोट्रॉफिक। हेटरो मीन्स अदर्स प्लस ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। दूसरे पौद्यां तों जदों पोषण प्राप्त किया जाता है या ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਵਿਧੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਅਮਰ ਬੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਬੇਲ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰ ਬੇਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਸਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹੋਸਟ ਟ੍ਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੜੇ ਰੂਪੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਇਸ ਲੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਲੀਫ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀੜਾ ਇਸ ਪੱਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਚਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਪੌਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਨਸੈਕਟੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੈਪਰੋਟ੍ਰੋਫਸ। ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸੇਮ ਬ੍ਰੈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਲੀ ਵੀ ਉਹ ਫੰਜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਬ੍ਰੈਡ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸੇ ਜੂਸ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਡ ਜੋ ਗਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਊਬਲ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ? ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ। ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਜੀਵਾਣੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਗੰਢਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਜੀਵਾਣੂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ? ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ।
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अलग अलग तरीके फोटोसिंथेसिस नूं समझिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे दो तरीके समझे, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक, स्टोमेटा दी स्ट्रक्चर देखी। उम्मीद करदा टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।